बच्चों को अगर कोई गली सड़क या पार्क में हिरासा करने की कोशिश करे तो ताइक्वांडो की मुख्तलिफ मशकें सीख कर उससे कैसे निपटा जाए, ये जानते हैं इस्लामाबाद से शोएब नियाजी की इस रिपोर्ट में। खुद को कैसे महफूज रखना है, अगर कोई आपको गैर जरूरी हाथ लगाए या पकड़ने की कोशिश करे तो उससे खुद को कैसे बचाना है, ये सब बताया जा रहा है इस्लामाबाद में बच्चों को दिए गए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग में। जो हमारे बच्चे हैं इनके अंदर ये शऊर पैदा करनी है कि सेल्फ डिफेंस सीखेंगे तो हम अपने आप की दिफा कर सकते हैं। बच्चियों को ये ताइक्वांडो वगैरह और सेल्फ डिफेंस सिखाने का मकसद यह है ताकि वो अपनी हिफाजत कर सकें। ट्रेनिंग हासिल करने वालों का कहना था कि इस ट्रेनिंग के जरिए खुद का दिफा करना आसान हो जाता है। मैंने यहाँ पे अभी तक बहुत कुछ सीखा है, सेल्फ डिफेंस, फाइट टेक्निक। मैं यहाँ पे सेल्फ डिफेंस सीखने आता हूँ और ये मुझे अच्छा लगता है। खुद इतना मजबूत बनाए कि आपको किसी की जरूरत ना पड़े, आपको कोई कहना है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ करता है, स्टफ एंड स्टफ, तो आप अपने आप को डिफेंस कर सको। इन मशकों में 3 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों और बच्चियों को तरबियत दी जाती है। ताइक्वांडो एक मुश्किल खेल है लेकिन अगर अजायम बुलंद और हौसला पुख्ता हो तो कुछ भी सीखना नामुमकिन नहीं। कैमरामैन फैजान राजा के साथ शोएब नियाजी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।